কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर नमस्कार, मैं यशवंत सिंह राजपूत कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए जो हमारी टॉप एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं छत्तीसगढ़ के जनजाति के अंतर्गत ये मेरा चौथा वीडियो है। तो आज का जो हमारे पास वीडियो रहेगा वो छत्तीसगढ़ में जो भी गाथा और जो नाट्य है उस पर बेस्ड रहेगा। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो आज अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो टॉपिक आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, टॉपिक का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ में गाथा एवं छत्तीसगढ़ में नाट्य। तो पहले अपन गाथा की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे नाट्य, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे गाथा के बाद आते हैं नाट्य पे, ठीक है। तो बेसिक पहले इसको समझ लेते हैं फिर एमसीक्यू करते हैं, गाथा की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, हमारे पास दो चीजें होती है छत्तीसगढ़ पे। एक हमारे पास होता है कथा, जिसको अपन कहते हैं लोक कथा कहते हैं। एक हमारे पास होगा लोक कथा और दूसरा हमारे पास होगा लोक गाथा, ठीक है। लोक कथा बोलो या फिर क्या बोलो, लोक गाथा बोलो, ठीक है। दोनों अगर देखा जाए दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कथा और गाथा में क्या डिफरेंस है, ध्यान देना। अगर देखा जाए जो हमारे पास कथा है वो कल्पना पर आधारित होता है, अर्थात अगर देखा जाए जो हमारे पास कथा है वो काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक घटना पर आधारित होता है कथा, याद रहेगा। लेकिन जो हमारे पास लोक गाथा है वो याद रखिएगा ये वास्तविक घटनाओं पर या फिर वास्तविक कहानी पर आधारित होता है, ठीक है यहां तक। और ध्यान देना जो हमारे पास लोक गाथा जो है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का, राज्य का, किसी देश का या फिर किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष का अगर देखा जाए उसके प्रेम से संबंधित जानकारी, उनके शौर्य या फिर उनके वीरता से संबंधित जो भी हमारे पास जानकारी है उसका अपन क्या करते हैं, बखान करते हैं गाथा के माध्यम से। तो लोक गाथा याद रखना, लोक गाथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए वास्तविक घटना पर आधारित होता है और इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी देश या किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम, शौर्य एवं वीरता का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है गाथा पे। तो गाथा बेसिकली अगर देखा जाए बेटा सत्य घटना पर आधारित होगा, इसको याद रखना। और दूसरा अगर बात करेंगे कथा ध्यान देना अगर देखा जाए मुख्य रूप से ये काल्पनिक घटना पर आधारित होता है, ठीक है। इसका एक उद्देश्य होता है सत्य का महत्व, ठीक है, सत्य का महत्व, आपके जीवन में सत्य का क्या महत्व है। और आखिरी में अगर जो भी इंसान भले गलत तरीके से जिंदगी जिए एक एट द एंड लास्ट याद रखना सच्चाई सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना जो हमारे पास लोक कथा है ना, लोक कथा का एकमात्र पर्पस होता है सत्य का महत्व बताना, लेकिन लोक गाथा का महत्व क्या है, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का, किसी व्यक्ति का प्रेम का, शौर्य का या फिर वीरता का क्या करना है, वर्णन करना है। ये हमारे पास लोक गाथा का एक प्रकार से उद्देश्य है, पर्पस है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा कथा और गाथा में डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास गाथा की बात करते हैं तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ में हमारे पास लोक गाथा कौन कौन सा है उसको अपन देख लेते हैं, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से हमारे पास लोक गाथा है उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तक तो देखो अपने कुछ गीत पढ़े होंगे जिसे पंडवानी गीत है, ये क्या है भी थोड़ी देर बताता हूं, पंडवानी हो गया। अगला हमारे पास चंदेनी है, चंदेनी लोरिक चंद या फिर चंदेनी गीत हो गया, चंदेनी गाथा अपने पास हो गया, ठीक है। आल्हा उदल की गाथा, मैहर अगर जाओगे तो मैहर क्षेत्र में इनकी गाथा प्रचलित रहती है, आल्हा उदल की गाथा, बराबर यहां तक। अगला अगर देखा जाए फुलबासन की गाथा, फुलबासन अपने आप में एक फूल है, ठीक है, इनसे संबंधित गाथा पर आज करने वाले हैं, याद रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा गाथा अगर देखा जैसे पंडवानी में क्या होता है, महाभारत में जो भी पांडव है उनके शौर्य एवं वीरता का अपन क्या करते हैं, बखान करते हैं और अपन ये मान के भी चलते हैं कि वो कथा क्या बेटा हमारे पास सत्य घटना पर आधारित है। तो मैंने अभी भी बोला है गाथा की अगर बात करोगे तो गाथा हमेशा वास्तविक घटना पर आधारित होता है, जैसे पंडवानी या फिर दूसरा अगर देखा जाए चंदेनी गाथा, इसमें दो हमारे पास पर्सन है, एक लोरिक है दूसरा
चंदा, लोरिक और चंबा का जो प्रेम है, प्रेम का वर्णन अपन क्या करते हैं इस गाथा के अंतर्गत करते हैं। सेम चीज हमारे पास आल्हा उदल, आल्हा उदल उधर के भी जो भी शौर्य है, इनका जो भी शौर्य है, इनकी जो भी लड़ाई है, जो भी युद्ध है, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करते हैं गाथा में वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रही हमारे पास कुछ गाथा है, इससे रिलेटेड पहले पर एमसीक्यू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहला क्वेश्चन लेते हैं, याद रहेगा पहला हमारे पास क्वेश्चन, देखो ध्यान से स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या देख लो, पंडवानी गायन का कथानक क्या है, प्रश्न क्या है पंडवानी गायन का कथानक क्या है। तो ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास पंडवानी है, पंडवानी को पहले समझ लेते हैं, पंडवानी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो यहां पे वर्ड है पंडवानी, ठीक है, ध्यान में पंडवानी की अगर बात करोगे, पंडवानी एक्चुअल में क्या है, तो ध्यान देना पंडवानी को अगर समझना है तो सबसे पहले वर्ड को तोड़ते हैं, पांडवों की वाणी, पंडवानी अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पांडवों की वाणी, इसको पंडवानी कहते हैं। ठीक है, अर्थात अगर देखा जाए पंडवानी में अपन क्या करते हैं, जो पांडव, पांडव का संबंध किससे है, याद रहेगा जो हमारे पास पांडव है, पांडव का संबंध किस कथा से है, तो क्या बताओगे, महाभारत। पांडव मतलब पांच पांडव, पांच पांडव आपने कहां पे देखा है, सुना होगा बेटा महाभारत में, जो एक देखा है सुना होगा। तो ध्यान देना यहां पर अपन क्या करते हैं पंडवानी के माध्यम से महाभारत के जो पात्र रहे हैं पांडव, पांडव के जो भी जीवन है, उन जीवन का अपन क्या करते हैं कथा गाथा के माध्यम से बखान करते हैं, किसमें, पंडवानी पे। दूसरा याद रखना, जो हमारे पास पंडवानी की अगर बात करोगे, पंडवानी हमारे पास दो हमारे पास सोर्स है, स्रोत अगर देखा जाए सोर्स कौन कौन सा है, तो ध्यान रहा हमारे पास पहला जो सोर्स होगा ये हो गया महाभारत, जो हमारे पास पुस्तक है उसको हम लोग पढ़ के क्या करते हैं पंडवानी गायन करते हैं, पांडव की कथा का क्या करते हैं बखान करते हैं। और दूसरा ध्यान रहा एक हमारे पास होता है छत्तीसगढ़ी महाभारत, ध्यान रहा बेटा जो हमारे पास छत्तीसगढ़ी जो महाभारत है, छत्तीसगढ़ी महाभारत किसने लिखा है, तो याद रखिएगा सबल सिंह चौहान ने, किसने लिखा है, सबल सिंह चौहान ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ी महाभारत लिखा है, बराबर यहां तक। तो ध्यान दे रहा कुछ कलाकार महाभारत जो ओरिजिनल महाभारत है उसकी कहानी का एक प्रकार से पाठन कर गायन करते हैं या फिर गाथा बोलते हैं, और कुछ जो कलाकार है वो याद रखिएगा जो हमारे पास छत्तीसगढ़ी महाभारत जो सबल सिंह चौहान जी ने लिखा है उसका क्या करते हैं बखानी बखान करते हैं, बराबर यहां तक। तो ध्यान ये हमारे पास सोर्स हो गया, और ज्यादातर जो हमारे पास पंडवानी है वो जो भाषा होता है याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ी रहता है, क्लियर है। दूसरा अगर देखा जाए जो हमारे पास पंडवानी है, पंडवानी गायन का दो शैली होता है, याद रहेगा कितनी शैली होती है, दो शैली, एक जो हमारे पास शैली है उसको अपन कहते हैं कापालिक शैली, कापालिक शैली, और दूसरा जो हमारे पास शैली इसको अपन कहते हैं वेदमती शैली कहते हैं, कौन सी शैली कहते हैं, वेदमती शैली, याद रहेगा। देखो अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेदमती शैली के जो कलाकार है ज्यादातर बैठ कर पंडवानी गायन करते हैं, ठीक है, पांडव की कथा का बखान करते हैं, याद रखना ये केवल बैठ कर किया जाता है, इसमें केवल गायन होता है, डांस नहीं होता, ना तो एक्टिंग होता है। लेकिन ध्यान रखो हमारे पास कपालिक शैली में क्या होता है, इसमें कलाकार अभिनय करता है, डांस भी करेगा, गीत भी गाएगा, एक्टिंग भी करेगा, ठीक है यहां तक। और ध्यान रखो जो हमारे पास दूसरा जो वेदमती शैली है ना बेटा, इसमें जो कलाकार है वो शास्त्र सम्मत गायकी करता है, इसका ये मतलब है ये क्या करेंगे, जो भी इनके पास जो सोर्स है, ये या तो छत्तीसगढ़ी महाभारत है या फिर जो ओरिजिनल जो महाभारत है, इसमें जो भी कहानी है ना उसी का इन लोग क्या करते हैं गायन करते हैं, कौन लोग, तो याद रखिएगा हमारे पास वेदमती। लेकिन कपालिक शैली के जो कलाकार, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, इनको जो भी जानकारी है महाभारत की कहानी का वो क्या करते हैं केवल बखान करते हैं, बराबर यहां तक। अब देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट कपालिक शैली का जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है उनका आपको नाम याद रखना बेटा, तीजन बाई, तीजन बाई विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है छत्तीसगढ़ राज्य की, याद रहेगा। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, जो भारत सरकार का एक नागरिक सम्मान है। और दूसरा अगर देखा जाए वेदमती शैली के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं, तो ध्यान देना बेटा झाड़ू राम देवांगन, याद रखना जो झाड़ू राम देवांगन है, पुना राम निषाद जी है, ये सब क्या है वेदमती शैली के कलाकार है। और जो तीजन भाई है याद रखिएगा ये कपाली शैली के कलाकार है, ठीक है। तो जब कलाकार का जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो इनसे संबंधित भी फैक्ट कराऊंगा, बराबर। अभी अपन पढ़ रहे पंडवानी के बारे में, तो पंडवानी क्या है, पंडवानी याद रखना महाभारत में जो पांडवों की पांडव जो पात्र है उन्हीं के उनकी उनके बारे में अपन क्या करते हैं उनके जीवन का क्या करते हैं बखान करते हैं, किसमें, पंडवानी पे। शैली होती है दो, या तो कपालिक होगा या फिर वेदमती शैली होगा, याद रहेगा यहां तक। सबसे इंपॉर्टेंट जब कलाकार पंडवानी गायन करता है, ठीक है, यहां तक ध्यान देना, जब कलाकार पंडवानी गायन करता है तो ध्यान देना बेटा इसमें दो वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना।
एक है तंबूरा, ये कलाकार जो पंडवानी गायन करता है या करती है ना, वो अपने हाथ में रखे रहती है हमेशा तंबूरा को, और दूसरा धांधर है तंबूरा और क्या है करताल। तंबूरा और करताल याद रखना, ये हमेशा इनके हाथ पे रहता है भाई, समझ में आया यहां तक? तो याद रखिएगा ये पंडवानी से संबंधित कुछ जानकारी है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न क्या था उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या था देखो, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? रामायण है क्या? नहीं। महाभारत है क्या? बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत है क्या? नहीं। शिवपुराण है क्या? नहीं। श्री सर्वनाम शब्द नहीं है यादर, आगे नहीं। तो ध्यान दे रहे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको उत्तर पे, ध्यान दे रहे इसका उत्तर आपको मिलेगा बेटा बी, समझ में आया? पंडवानी, तो पंडवानी गायन का कथानक क्या है? तो क्या बताओगे बेटा? महाभारत। पंडवानी पे जो महाभारत के जो पांडव हैं, जो कौरव हैं, उनके शौर्य एवं वीरता का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, बखान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? अभी मैंने बताया था ममता चंद्राकर है क्या? नहीं, ये छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है, पंडवानी गायिका नहीं है, ठीक है। इनको भी ना बेटा देखा जाए पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। दूसरा सूरजभाई खांडे, सूरजभाई खांडे जो है ना वो छत्तीसगढ़ में भरथरी गायिका है, भरथरी गायिका है, क्लियर है यहां तक। और साथ ही साथ ढोला मारू गायिका है, ढोला मारू गीत अपन पढ़ेंगे आने वाले समय पे। कविता वासनिक ये भी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है, कविता वासनिक, ना कि पंडवानी। आता है तीजन भाई, बिल्कुल तीजन भाई है। तो याद रखना प्रश्न के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? तो ध्यान दे रहे इसे उत्तर मिलेगा डी, उत्तर क्या मिलेगा? डी मिलेगा, ठीक है। यहां तक ये था प्रश्न नंबर दो का उत्तर, समझ में आया? अगर बेटा कुछ भी समस्या है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको जो भी समस्या है, ठीक है, उसका फिर अपन निराकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पंडवानी के बाद अगला हमारे पास आता है, देखो याद रखना ये मध्य प्रदेश के से संबंधित है स्टोरी। प्रश्न अपन पढ़ते हैं, पहले राजा भर्थरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का नाम क्या है? बराबर याद है? देखो ध्यान देना, हमारे पास एक छत्तीसगढ़ में लोक गीत है या लोक गाथा भी है, उसका नाम क्या है? भर्थरी गायन, भर्थरी गीत बोलो या फिर भर्थरी गाथा बोलो, याद रहेगा ये छत्तीसगढ़ की क्या है? लोक गीत या फिर लोक गाथा है, आया समझ में आता? ध्यान देना, अगर देखा जाए सबसे पहला ये जो भर्थरी गायन है ना, ये अपने आप में वैराग्य प्रधान गीत है, वैराग्य प्रधान है, ठीक है, वैराग्य प्रधान करुण गीत जो भर्थरी है, याद रहेगा वैराग्य प्रधान करुण गीत। लेकिन ध्यान रहा वैराग्य प्रधान करुण गीत, लेकिन ध्यान रहा साथ ही साथ ये प्रेम गीत भी है, इसमें अपन क्या करते हैं? प्रेम का बखान करते हैं। प्रेम गीत है तो दो जने के पास प्रेम होगा, याद रहेगा एक जो है इसमें राजा भर्थरी है और दूसरा रानी पिंगला है, याद रहेगा। तो ध्यान रहा इन दोनों का जो जीवन है, इन दोनों का जो प्रेम, इनका जो प्रेम रहा है और प्रेम के साथ इनका विवाह भी हुआ और विवाह के बाद दोनों ने जो वैराग्य लिया है, इन सब की जो जानकारी है, जिन सब का जो बखान है, इस गीत में किया जाता है, याद रहेगा। उसको अपन क्या कहते हैं? भर्थरी गीत। इतना सीख, ठीक है यहां तक? इसको प्लीज याद रखिएगा कि किसके बारे में हमारे पास जानकारी है, भर्थरी गीत। अब ध्यान जो भर्थरी गीत की बात करोगे बेटा, इसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो ध्यान देना, जब भी लोकगीत पढ़ोगे इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, एक है सारंगी, एक क्या है हमारे पास? सारंगी। और दूसरा हमारे पास क्या है? इकतारा, ठीक है, इस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है। और ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य में जो भर्थरी गायन है उसकी सुप्रसिद्ध कलाकार कौन रही है? तो ध्यान रहा इनकी जो सुप्रसिद्ध कलाकार है स्वर्गीय लेट सूरजभाई खांडे जी रही है, सूरजभाई खांडे, इनका देहावसान हो गया है, इनका डेथ हो गया है, याद रखना। ये बिलासपुर में जो SECL है वहां पे कार्यरत थी, ठीक है, निधन से पहले, इसको याद रखिए कि इनके बारे में सूरजभाई खांडे। तो भर्थरी गीत वैराग्य प्रधान करुण गीत है, इसको याद रखिएगा, और साथ ही साथ प्रेम गीत है, इसमें रानी पिंगला एवं राजा भर्थरी के जीवन का अपन क्या करते हैं? बखान करते हैं। वाद्य यंत्र अगर देखा जाए तो सारंगी और इकतारा उपयोग करते हैं, और कलाकार प्रसिद्ध कौन रही, तो क्या बताओगे? सूरजभाई खांडे रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पढ़िए भाई क्वेश्चन क्या था। तो राजा भर्थरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का नाम क्या है? पंडवानी है क्या? पंडवानी तो महाभारत से संबंधित है। भर्थरी है क्या? तो बिल्कुल भर्थरी है, अभी बताया था भर्थरी के बारे में। लोरिक चंदा है क्या? नहीं। लोरिक चंदा में लोरिक और चंदा का प्रेम गाथा का वर्णन है, वहां पे राजा भर्थरी और रानी पिंगला का स्टोरी है ही नहीं। ढोला मारू गीत याद नहीं, यंत्र तंत्र से संबंधित है, राजस्थान की लोक गाथा है ये।
तो ध्यान में इसका उत्तर क्या मिलेगा बेटा, बी मिलेगा। इसका उत्तर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बराबर यहां तक ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको अपन निराकरण करते हैं। ठीक है ना, आगे अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उसको पढ़िए, क्या लिखा है, चंदेनी गीत या नृत्य का कथानक क्या है। याद रहेगा चंदेनी गीत। बराबर यहां तक देखो भाई, समझते प्रश्न जो भी है। चंदेनी गीत, गीत क्या बेटा, चंदेनी गीत याद रहेगा। ध्यान रहा, चंदेनी की सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये अपने आप में क्या है, एक प्रेम गीत। चंदेनी गीत कैसा गीत है, प्रेम गीत। अब प्रेम गीत है तो ध्यान रहा, चंदेनी गीत का आधार क्या है। चंदेनी गीत का आधार हमारे पास है, दो कपल थे, एक का नाम था लोरिक और दूसरे का नाम क्या था, चंदा। एक आरंग से था और एक रीवा से थी। ये क्वेश्चन सीजीपीएसई 2020 में लगभग आया भी है प्रीलिम्स में, कि लोरी कहां से था, चंदा कहां से थी, आरंग और रीवा से थे। ठीक है ना, तो ध्यान देना, इन दोनों के बीच जो भी प्रेम संबंध है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो भी प्रेम संबंध था, उस प्रेम संबंध को हम क्या करते हैं, इस गीत के माध्यम से बखान करते हैं। इसलिए इस गीत को लोरिक चंदा गीत भी कहते हैं या फिर चंदेनी गीत कहते हैं। बराबर यहां तक इसको याद रखना। बात करेंगे कि जो हमारे पास चंदेनी गीत है उसके सुप्रसिद्ध कलाकार छत्तीसगढ़ राज्य में कौन है, कौन सबसे बेहतरीन ढंग से इसको प्रसिद्धि दिलाया है, किसने दिलाया है। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है चिंतादास चंदेनी। याद रहेगा चिंतादास चंदेनी छत्तीसगढ़ राज्य में चंदेनी गीत के सुप्रसिद्ध कलाकार हुए। याद रहेगा, उसके अलावा अगर देखा जाए कि जो हमारे पास चंदेनी गीत है उसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग अपन करते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना, इसमें ढोलक होता है, एक सेकंड, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ढोलक होगा, और ढोलक के साथ साथ जो टिमकी है, ठीक है, टिमकी, इस वाद्य यंत्र का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसमें चंदेनी गीत में। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा इसके बारे में बेटा, तो क्या बताओगे, चंदेनी गीत। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो ध्यान देना, चंदेनी गीत नृत्य का कथानक क्या है, ढोला मारू है क्या, नहीं, हीर रांझा है क्या, बिल्कुल नहीं, लोरी चंदा है क्या, बिल्कुल है, नल दमयंती है क्या, नहीं। तो अभी मैंने बताया है जो चंदेनी गीत में क्या होता है, लोरिक एवं चंदा के प्रेम गाथा का बखान किया जाता है, इसलिए इसको अपन लोरिक चंदा गीत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया ना, और प्रसिद्ध कलाकार है चिंतादास चंदेनी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो भाई। ध्यान में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राजस्थान, अभी मैंने कुछ समय पहले इस शब्द का उल्लेख भी किया था कि राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण या स्वरूप निम्न में से कौन सी लोक गाथा है। बराबर यहां तक तो देखो भाई, इसको भी मैं बताता हूं, याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में ना एक लोक गाथा है जो छत्तीसगढ़ी स्वरूप है, उसको अपन कहते हैं ढोला मारू। याद रहेगा ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला का मतलब पत्थर नहीं है भाई, ढोला एक व्यक्ति विशेष था, ठीक है ना। तो ध्यान में ढोला मारू का देखा जाए, सबसे पहला पहले भाग में ढोला मारू भी ना अपने आप में क्या है, प्रेम गीत। याद रहेगा, अब इसका आधार क्या है, ढोला मारू गीत अगर प्रेम गीत है इसका आधार क्या है, तो ध्यान देना, ढोला मारू में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक पर्सन था ढोला और दूसरा का हमारे पास नाम क्या है, मारू। तो इनके बीच जो भी अगर देखा जाए जो प्रेम संबंध रहा है, उस प्रेम संबंध को हमने क्या किया, इस गीत के माध्यम से हमने क्या किया, बखान किया है, ठीक है ना। स्टोरी ये है कि ढोला मारू, स्टोरी के अनुसार क्या है बेटा, जो ढोला मारू है इनमें प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद ध्यान देना बेटा पुनर्जन्म भी होता है, इनका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के बाद फिर इनका क्या होता है, मिलन हो जाता है। याद रहेगा, तो ये जो हमारे पास स्टोरी है इस गीत में बताया जाता है, पहले तो इनके बीच प्रेम संबंध हुआ, डेथ भी हो गया, पुनर्जन्म भी हुआ, पुनर्जन्म के बाद क्या हो गया, इनका मिलन भी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी हमने क्या किया है, इस गीत में वर्णन किया है। याद रहेगा, इस प्रकार से देखो, जन्म भी हुआ, पुनर्जन्म भी हुआ, पुनर्मिलन भी हुआ। तो ध्यान में ये अपने आप में अगर देखा जाए, ये अपने आप में ग्रामीण यंत्र तंत्र, सॉरी यंत्र तंत्र बोलता हूं, ग्रामीण तंत्र मंत्र, दूसरा जादू टोना से संबंधित गीत है बेटा। याद रहेगा, जो ढोला मारू है वो तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित गीत है, हालांकि ये प्रेम गीत है, और प्रेम गीत कैसे मैंने बता दिया, पुनर्मिलन हुआ है। आगे ध्यान में अगर प्रश्न पूछेगा
कि छत्तीसगढ़ में ढोला मारू के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इस गीत को छत्तीसगढ़ी में प्रसिद्धि दिलाई है। तो याद रखिएगा, उस कलाकार का नाम आपको याद रखना है, जगन्नाथ कुम्हार। नाम क्या है? जगन्नाथ कुम्हार ने। और साथ ही साथ एक और महिला रही है, उनका नाम है स्वर्गीय सुरुज बाई खांडे। इन लोगों ने क्या किया है, जो हमारे पास क्या है, जो ढोला मारू गीत है, उसको क्या किया है, छत्तीसगढ़ी स्वरूप में क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई है। याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो याद रखिए, हमारे पास ढोला मारू। अब आते हैं प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको एक बार रीड करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण निम्न में से कौन सी लोक गाथा है? तो ध्यान रहा, पहला भरथरी है क्या? नहीं। डोरी चंदा है क्या? नहीं। ढोला मारू है क्या? बिल्कुल है। फुलवासन है क्या? नहीं। याद रहेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा, सी, ढोला मारू। याद रहेगा, देखो अभी तक मैंने क्या क्या क्वेश्चन बता दिया, पंडवानी बता दिया, लोरिक चंदा बता दिया, भरथरी बता दिया, और क्या हो गया, ढोला मारू। मैंने उसमें कलाकार भी बताए हैं भाई, तो कलाकार को भी अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ जहां पर भी वाद्य यंत्र है, जब भी आप गाथा पढ़ते हो या गीत पढ़ते हो, तो उसका कहानी तो याद कर लो, वाद्य यंत्र याद कर लो, कलाकार याद कर लो। समझ में आया, तक इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास 5 प्रश्न हो गए। अब 5 प्रश्न के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये केवल हिंदी में है बेटा, देख लो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, एक गीत के रूप में इसको पिरोया गया है, और ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। एक वाक्यांश लिखा हुआ है, बड़ सहिताधारी लक्ष्मण जटी जोगी, 12 बरस जो करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मुंगन के दार पकाई, बिगन सिकुन के पत्री बना के। ठीक है ना, याद रहेगा। इसमें प्रश्न क्या है, तो ध्यान देना, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ना, हमने किस गाथा से लिया है। ठीक है, किस गाथा से इसका मतलब, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसका सोर्स किस गाथा पे है, याद रहेगा यहां तक। तो देखो भाई, एक स्टोरी यहीं पे बता देता हूं, ठीक है ना। ध्यान रहे बेटा, हमारे पास एक गाथा है, उस गाथा को अपन कहते हैं फुलवासन की गाथा। फुलवासन की गाथा है, बराबर यहां तक। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना, अगर देखा जाए फुलवासन की गाथा ना रामायण काल से संबंधित है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, रामायण काल से क्या है, संबंधित है जो हमारे पास फुलवासन की क्या है, जो गाथा है, बराबर यहां तक। सबसे दूसरा चीज याद रखना, फुलवासन की गाथा अगर देखा जाए, जो फुलवासन क्या है, तो ध्यान देना बेटा, फुलवासन अपने आप में एक फूल है। ठीक है, फुलवासन क्या है, अपने आप में एक फूल है, और फुलवासन की गाथा किससे संबंधित है, रामायण काल से संबंधित है। याद रखिएगा, फुलवासन की गाथा के अंतर्गत क्या होता है, तो ध्यान रखना, फुलवासन के गाथा के अंतर्गत क्या होता है, याद रखिएगा, यहां पर जो लक्ष्मण है रामायण काल मैंने बोला, और जो माता सीता है, इनके बीच, ठीक है, इनके बीच एक प्रकार से जो कहानी होती है, याद रखिएगा, उस कहानी को हमने क्या किया है, इस गाथा में पिरोने का प्रयास किया, वर्णन करने का प्रयास किया। कैसे, स्टोरी याद रखिएगा बेटा, माता सीता ने क्या किया था, फुलवासन फूल, जब इन्होंने क्या किया देखा, तो ध्यान रखा, माता सीता ने क्या किया, लक्ष्मण को फुलवासन फूल लाने का अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो ध्यान, लक्ष्मण क्या करता है, माता सीता के अनुरोध बोलो या फिर आदेश बोलो, उसको कभी तो मना करेगा नहीं वो, तो लक्ष्मण क्या करता है, माता सीता को एक प्रकार से हाँ बोला कि क्या करता हूं मैं, फुलवासन फूल लाता हूं। तो ध्यान, लक्ष्मण क्या करता है, बड़ी कठिनाई के साथ फुलवासन फूल लाता है, और माता सीता को क्या करता है, समर्पित करता है। ठीक है ना, यही जो स्टोरी है किसके अंतर्गत है, फुलवासा की गाथा के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ती है या फिर सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, तो ये बेटा ये लिखा है ना अपने पास, याद रखिएगा लक्ष्मण के बारे में। तो ध्यान दे रहा, इन्होंने क्या किया था, बड़े ही कठिनाई के बाद ना उस फूल को माता सीता को क्या किया था, समर्पित किया था। इसलिए अगर देखा जाए, प्रश्न क्या था, ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमने कहां से लिया है, केवला रानी की गाथा से नहीं, अहिमन कईना से भी नहीं, फूलकोर से भी नहीं। याद रखिएगा, कहां से लिया हमने, फुलवासन से लिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, फुलवासन की गाथा प्लीज याद रखिएगा। समझ में आया, ठीक है, आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बसदेवा गायन, याद रहेगा, प्रश्न है बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है। बसदेवा, आपको पता होगा बसदेवा क्या है, देखो एक बार मैं समझा देता हूं। बसदेवा गायन याद रहेगा, बसदेवा गायन, ठीक है ना, देखा होगा आपने। सबसे पहला अगर इनकी वेशभूषा में बता दो, ये आपने देखा होगा, ध्यान रहे बेटा, ये जो वेशभूषा है, ये केसरिया कलर का कपड़ा पहनते हैं,
कुर्ता पहनते हैं, कपड़ा तो नहीं बोल सकते, कुर्ता केसरिया। या फिर अगर देखा जाए भगवा गर्ल, भगवाधारी, हाँ कि नहीं, क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना ना, रंग से स्पष्ट है ये ज्यादातर कौन सा कलर पहनते हैं, केवल केसरिया कुर्ता पहनते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कुर्ता हो गया, केसरिया कुर्ता पहन लिए, ठीक है। साथ ही साथ इन लोग क्या कहते हैं, पगड़ी पहनते हैं, सर पे पगड़ी, ये भी किस कलर का रहेगा, केसरिया कलर का रहता है, याद रहेगा। दूसरा अब ध्यान देना, इन लोग क्या करते हैं, एक वाद्य यंत्र पकड़ते हैं और एक वाद्य यंत्र रहता है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या बेटा, तंबूरा। कौन सा वाद्य यूज करते हैं, तंबूरा, याद रहेगा। और ध्यान में जो बसदेवा गायन है, बसदेवा गायन का आधार क्या है, मतलब कौन सी स्टोरी के लोग गायन करते हैं, तो ध्यान देना श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार का संबंध किनसे है, तो ध्यान देना बेटा रामायण काल से पहले, याद रहेगा। जब राजा दशरथ जी ने इन्हीं को क्या किया था, अनइंटेंशनली गलती से क्या किया था, इन्हीं को तीर से बाण मार दिया था, ठीक है ना। तो वही आधार बनता है रामायण का, फिर श्रवण कुमार जो अपने, ठीक है, दृष्टिहीन माता पिता को क्या करता है, चार धाम की यात्रा करने का प्रयास करता है, ठीक है, कहां पे, कांवर पे, देखा होगा आपने। तो जो श्रवण कुमार का जो भी शौर्य है, जो भी जीवन है, उस उनके जीवन को हमने क्या किया है, बसदेवा गायन पे पिरोने का प्रयास किया है, ठीक है। और जो कलाकार होते हैं, याद रखना, वो पगड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, किस कलर का पहनते हैं, केसरिया। वाद्य यंत्र क्या होता है, तंबूरा। अब देखो उसमें कलाकार जो गायन करता है उसमें बार बार, ठीक है, जब इन लोग गायन करते हैं ना, बसदेवा गायन करते हैं ना, उस गायन पे बार बार क्या बोलते हैं, हर बोले जय गंगान, क्या बोलते हैं इन लोग, हर बोले जय गंगान का क्या करते हैं, बखान करते हैं बेटा, इसको याद रखना। कुछ भी गीत गाएंगे तो क्या बोलेंगे, जय गंगान, जय गंगान, ये जरूर बोलते हैं, समझ में आया यहां तक। तो ध्यान में रहिए, हमारे पास क्या है, बसदेवा गायन, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दे रहे, क्वेश्चन क्या है, बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है, लोरिक चंदा है क्या, नहीं, पांडव है क्या, नहीं, मैंने अभी बोला था श्रवण कुमार, ठीक है ना, मिल जाएगा श्रवण कुमार। धर्मेश ना बेटा, ये धर्मेश आपको मिलेगा झारखंड में, राजा थे, राजा धर्मेश ने क्या किया था, उरांव आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान किया था। तो जो राजा धर्मेश है ना, वो उरांव आदिवासियों के भगवान है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे बाद में। तो ध्यान देना बसदेवा गायन का कथाना क्या होगा बेटा, श्रवण कुमार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और इस गीत में बार बार क्या आता है, हर बोले जय गंगान, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बसदेवा गायन, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां में आते हैं, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक, ठीक है, सीताराम पे बेस्ड हमारे पास एक गाथा है, याद रहेगा बेटा। ये अपने आप में घुमक्कड़ प्रकृति का व्यक्ति था, तो पर समझना सीताराम कौन था, सीताराम घुमक्कड़ प्रकृति का व्यक्ति था, जो हमेशा घूम घूम के अपने जीवन यापन करता है, गीत गाते हुए चलता है, याद रहेगा यहां तक। तो सीताराम ध्यान में बेटा ये कौन था, तो ध्यान देना बंजारा था, क्या था, तो क्या बताओगे, बंजारा था। कहीं पे ऑप्शन पे है क्या, चरवाहा था क्या, नहीं, कल्चुरी शासक था क्या, नहीं, आदिवासी मुखिया था क्या, नहीं, कौन था, बंजारा। इसलिए 8वां का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए, समझ में आया यहां तक, क्लियर है। तो देखिए जो सीताराम जो हमारे पास गाथा है, इसमें सीताराम को, तो क्या बताओगे, सीताराम अपने आप में बंजारा था, ठीक है, यहां तक इसको प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, रुक करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दशमत गाथा, दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, याद रहेगा। तो ध्यान में रहे बेटा, जो हमारे पास दशमत गाथा बोलो, इसका मैं अगर सीधा फैक्ट बता दूं, तो जो हमारे पास दशमत गाथा है, इसका संबंध आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, प्लीज इसको पढ़िएगा, दशमत गाथा का संबंध किस जिले से, क्या बताओगे, दुर्ग जिले से, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। देवार गीत बोले, दशमत गाथा बोले, तो याद रखना कहां पर मिलेगा आपको, दुर्ग में, दुर्ग जिले में मिलेगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर चलते हैं, बराबर यहां तक ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, घोड़ा नाच याद रहेगा। तो देखो भाई, घोड़ा नाच के लिए जैसे भी नवरात्रि चल रही है, ठीक है, नवरात्रि में एक हमारे पास क्षेत्र, उसका नाम है मैहर, मैहर कहां पर है भाई, मैहर कमेंट करके बताइए, मैहर, मैहर किस राज्य पे है, और यहां पर किस माता का मंदिर है मैहर में, ठीक है ना। जब मैहर जाओगे ना, मैहर जाओगे ना, तो मैहर में जो माता का जो मंदिर है, वहां पर आल्हा और उदल, वहां पर एक पौराणिक मान्यता है कि माता जी का जो मंदिर है वहां पर मैहर में, वहां पर सबसे पहली जो आरती है दिन का, वो आल्हा उदल करते हैं।
इन ये जो आरती करते हैं इनको कोई देख नहीं पाता है, कोई देखा नहीं आज तक, लेकिन मानते जरूर हैं कि भाई सबसे पहले वहां आरती कौन करता है, अलाउदली करते हैं, याद रहेगा। के बाद वहां पे स्टोरी ये भी है, इन दोनों के बीच क्या होता है वहां पे, कुश्ती होता है, ये भी अदृश्य है ये, लेकिन स्टोरी है, क्लियर है आता है, जो कुश्ती होती है। तो याद रखना एक प्रकार से यही जो कुश्ती है वहां पर ना घोड़ा नाच के रूप में क्या है, प्रचलित है। कहां पर? मैहर में। समझ में आया? तो ध्यान में रख बेटा, जो हमारे पास घोड़ा नाच है ना वो आल्हा उदल के कहानी से संबंधित है, और ये स्टोरी कहां की है, मैहर, याद रहेगा। यहां तक देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, घोड़ा नाच, ठीक है, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है क्या? नहीं। रामायण से संबंधित है क्या? नहीं। ढोला मारू से संबंधित है क्या? नहीं। अभी हमने सब पढ़ लिया है, तो एग्जैक्ट लास्ट में क्या आता है, आल्हा उदल, क्या आता है हमारे पास, आल्हा उदल आता है, ठीक है। तक इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, घोड़ा नाच, घोड़ा नाच का संबंध किससे होगा, आल्हा उदल से होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तक ये अपने पास हो गया किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास हो गया गाथा से संबंधित, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं नाट्य, याद रहेगा बेटा किस पे आता है, नाट्य। तो मैं नाट्य आपको बता देता हूं, नाट्य क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी जो हमारा क्वेश्चन था किस पे बेस्ड था, तो देख लो हमारा जो क्वेश्चन था बेटा किस पे बेस्ड था, गाथा पे। हमने अभी क्या पढ़ लिया, गाथा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब गाथा के बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, तो ध्यान देना वो हमारे पास रहेगा, एक सेकंड आते हैं, अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के नाट्य, छत्तीसगढ़ के नाट्य, नाट्य मतलब होता है नाटक, याद रहेगा। अब बात करते हैं नाटक, तो देखो बेटा जो हमारे पास नाटक है ना, नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभिनय होगा, एक्टिंग होगा, नाटक है तो गीत भी होगा, नाटक है तो डांस भी होगा, और नाटक है तो संगीत भी होगा। तो ध्यान है बेटा, नाटक एक ऐसी विधा है इसमें अभिनय, गीत, नृत्य, संगीत का क्या होता है, समावेश होता है, उसको नाटक कहते हैं। कलाकार गाना भी गाएगा, कलाकार एक्टिंग भी करेगा, कलाकार डांस भी करेगा, सभी चीज का समावेश होता है नाटक पे। अब नाटक को अपन क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में उनके विस्तार के आधार पर, उनके प्रचलन के आधार पर दो भाग में डिवाइड करते हैं। कभी कभी नाटक पूरे एरिया पे क्या रहता है, फैला रहता है, या फिर उसका विस्तार रहता है। कभी कभी जो नाटक है किसी पर्टिकुलर जनजाति विशेष पे, किसी जाति विशेष पर तक क्या रहता है, प्रचलित रहता है। इस आधार पर हमने क्या किया है, जो नाटक है उसको दो अलग अलग नाम दिया है। एक को अपन कहते हैं लोक नाट्य, एक को अपन क्या कहते हैं, लोक नाट्य, और दूसरे को अपन क्या कहते हैं, जनजातीय नाट्य, जनजातीय नाट्य। देखो बेटा नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट कैसा है, लोक नाट्य का विस्तार ना, देखो डिफरेंस अगर देखा जाए जनजातीय नाट्य, तो ध्यान रहे बेटा ये किसी विशेष जनजातीय वर्ग तक क्या होगा, विशेष जनजातीय वर्ग तक क्या होता है, सीमित रहता है। जैसे मैं बोलूंगा माओपाटा नाट्य, माओपाटा नाट्य बेटा केवल मुरिया जाति के लोग करते हैं, बैगल लोग नहीं करते, ना तो पहाड़ी कुरवा करते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं, ठीक है, लोक नाट्य की बात करते हैं, ध्यान में, लोक नाट्य ना पूरे के पूरे क्षेत्र में रहता है, पूरे के पूरे कस्बा में रहता है, पूरा का पूरा जिला में रहता है, या फिर पूरे के पूरे एक राज्य में रहता है, या फिर पूरे के पूरे एक देश में रहता है। जैसे मैं बोलूंगा तमाशा, तमाशा किधर होता है, तो याद रखना बेटा तमाशा के लिए प्रसिद्ध कौन, हमारे पास महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है ना। मैं बोलूंगा पंडवानी कहां पर है, तो पंडवानी कहां पर होगा, तो क्या बताओगे हमारे पास, वो छत्तीसगढ़ पे, ठीक है ना। तो यहां पे कोई पर्टिकुलर जाति तो नहीं है। तो ध्यान देना जो लोक नाट्य है इसका, ये किसी क्षेत्र में प्रचलित होता है, किसी जिले में प्रचलित होता है, किसी राज्य में, या फिर किसी देश में। लेकिन जनजाति नाट्य क्या होता है, किसी विशेष जनजाति वर्ग तक ही क्या होता है, सीमित होता है, याद रहेगा यहां तक। बाकी अगर देखा जाए हमारे कौन कौन से हमें कौन कौन से जनजाति नाट्य के बारे में पढ़ना है, तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध नाट्य है गम्मत, एक गम्मत हो गया। गम्मत के बाद दूसरा हमारे पास आता है रहस्य लीला, रहस्य लीला, या इसी को रास लीला कहते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है नाचा, ये याद रखना। जनजाति नाट्य में याद रखना बेटा हमारे पास तीन से चार आपको याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है माओपाटा, माओपाटा नाट्य। अगला को याद रखना है भतरा नाट्य, या भतरा नाट कहते हैं। अगला को याद रखना है खंब स्वांग, खंब स्वांग। और अगला को याद रखना है दही कांदू,
दही कांदो नाट्य, बराबर यहां तक। उदाहरण ये छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य है, वो छत्तीसगढ़ के जनजाति नाट्य है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको सबका एक डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। यहां तक देखो बेटा, जो गम्मत, याद रखना, गम्मत हो गया, रहस्य लीला हो गया, जो नाचा है, ये छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गम्मत और जो नाचा है ना, इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में ना बेटा मराठा शासन काल से हुआ है, ये भी याद कर लो। ध्यान रहा, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जब मराठा शासन था, उसी समय छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, गम्मत और नाचा का उद्भव हुआ है, ऐसा माना जाता है। गम्मत में एक प्रकार से गम्मत का उद्देश्य क्या है करने का, तो ध्यान में बेटा, गम्मत का उद्देश्य है समाज में ना पॉजिटिविटी लाना। अगर समाज में कुछ रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे बाल विवाह हो रहा है, दहेज प्रथा का प्रचलन है, ठीक है, विधवा विवाह नहीं होता है, तो उन्हीं का एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्हीं प्रथा का प्रचलन है, समाज में जितनी भी बुराई है ना, जितनी भी रूढ़िवादी परंपरा है, उस पर प्रहार करने के लिए हम जो नाटक करते हैं छत्तीसगढ़ी बोली में, उस नाटक को अपन क्या कहते हैं, गम्मत। तो गम्मत का उद्देश्य है समाज सुधार करना, नाटक के माध्यम से समाज सुधार का एक प्रकार से क्या है, प्रयास होता है। समाज में जो भी गंदगी फैली है, जो भी निगेटिविटी फैली है, बराबर याद है। जैसे भी अगर देखा जाए, चुनाव का माहौल है, 7 नवंबर को 17 नवंबर को क्या बेटा चुनाव है, तो अपन एक संदेश देंगे ना कि भाई अधिक से अधिक लोगों को मतदान से इलेक्शन से जुड़ना चाहिए, लोगों को क्या हो, घर से निकल करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अपन क्या करना है, कुछ अच्छा चीज बताना चाहते समाज पे, तो याद रखना, अब उस समय अगर कुछ नाटक करते तो वो क्या कहलाएगा, गम्मत कहलाएगा। डिफरेंस समझ में आया, गम्मत क्या क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं नाचा। नाचा का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है, हंसी मजाक है, ठीक है। यहां तक ज्यादातर छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, साल में एक बार ना बेटा मड़ई होता है, मेला ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, गांव के लोग, ठीक है ना। तो जब मेला होता है ना, रात्रि में गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नाचा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, नाचा करवाते हैं। ये नाचा में केवल, याद रहना बेटा, एक प्रकार से एंटरटेनमेंट होता है, केवल मनोरंजन होता है, हंसी मजाक ही होता है, याद रहेगा यहां तक, क्लियर है। दूसरा ध्यान देना, अगर आता है बात आते हैं रहस्य लीला, तो ध्यान देना रहस्य लीला याद रखना, अगर देखा जाए अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के आराधना से संबंधित है। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी लीलाएं बाल्यकाल में रची थी, याद रहेगा, उन सभी लीलाओं का वर्णन याद रखना रहस्य लीला में करते हैं। अर्थात ध्यान देना, यहां पर जो रहस्य लीला है, वहां पर कृष्ण लीला का अपन क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। समझ में आया। देखो नाचा में एक व्यक्ति को जरूर याद रखना, दाऊ दुलारसी मंदराजी। जो दाऊ दुलारसी मंदराजी है ना, उसको नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। ये हो गया गम्मत, ये हो गया रहस्य लीला, ये हमारे पास हो गया नाचा। अभी और आएगा ना तो रहस्य लीला आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर बात करते हैं माओपाटा नाट्य। जनजाति नाट्य में चार याद रखो बेटा, एक हमारे पास है माओपाटा, दूसरा है भद्रानाट, तीसरा है खम्बसवांग, चौथा है दही कांदो। माओपाटा जो नाट्य है, ये मुरिया आदिवासियों का नाट्य है। ध्यान देना, माओपाटा अपने आप में एक शिकार नाट्य है, याद रहेगा। और ध्यान देना, जो हमारे पास मुरिया आदिवासी लोग क्या करते हैं, इस नाट्य के अंतर्गत जो हमारे पास गौर पशु है, इनका ना शिकार करने का नाटक प्रस्तुत करते मात्र है, ठीक है ना। बात करते हैं भद्रानाट, तो ध्यान, भद्रानाट नाम से स्पष्ट है, ये भद्रा जनजाति के लोग करते हैं। ये अपने आप में पौराणिक कथा पर आधारित होता है, या तो महाभारत की स्टोरी इसमें होती है, या तो रामायण की स्टोरी इसमें होती है, किसमें, भद्रानाट पे। अर्थात जो भद्रानाट है बेटा, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होता है। इसमें लगभग 20 से 40 कलाकार होंगे, और सभी कलाकारों को ना याद रखना, नाटपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाटपुरा। और ये भी याद रखना, जो भद्रानाट है, इसका आयोजन ज्यादातर गर्मी के महीने में होता है, गर्मी के मौसम में होता है, ठीक है। यहां तक भद्रानाट। खम्बसवांग, खम्बसवांग छत्तीसगढ़ के कोरकू जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, तो क्या बताओगे, कोरकू। याद रहेगा, खम्बसवांग में ना जो कोरकू आदिवासी है, इनके लिए मेघनाथ भगवान के रूप में है। तो इन लोग क्या करते हैं, भगवान मेघनाथ जो रावण का बेटा है ना बेटा, उसकी आराधना करते हैं। और उनकी आराधना के लिए इन लोग क्या करते हैं, लकड़ी का एक खंभा गांव के खुले क्षेत्र में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, याद रहेगा। उसी को क्या कहते हैं, खम्बसवांग कहते हैं, खम्बसवांग नाट्य कहते हैं, जो कोरकू आदिवासियों में क्या है, प्रचलित है। लास्ट जो दही कांदो है, ध्यान दे बेटा, दही कांदो ना इसमें कर्मा डांस, कर्मा नृत्य एवं रहस्य लीला का मिक्स वर्जन होता है। रहस्य लीला जो हमारे पास दही कांदो अपने आप में, वही बेटा जो दही लूटी है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। इसमें दो चीजें मिलेगा, इसमें रहस्य लीला भी मिलेगा
और साथ ही साथ इसमें कर्मा डांस भी मिलेगा, ठीक है ना। अभी आने वाले टॉपिक में समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नाट्य, तो नाट्य में जो भी महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अब चलते हैं नाट्य से संबंधित जो भी हमारे पास एमसीक्यू है उसको अपन क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है? याद रहेगा यहां तक? देखो यहां पे लिखा है रासलीला, ठीक है, ध्यान में रख। रासलीला का मतलब क्या होगा? यहां पे रहस्य लीला है, तो चंदनी गोंदा होगा क्या? नहीं। यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? देखो नाचा कहां से लिया, मैंने बताया था महाराष्ट्र से। गम्मत कहां से लिया है? महाराष्ट्र से। चंदनी गोंदा तो बताया था, आरम और रिवर की स्टोरी है। तो बचा क्या यहां पे? रहस्य लीला, याद रहेगा रहस्य लीला। ध्यान रहे कहां से लिया, तो याद रहे उत्तर प्रदेश की रासलीला से क्या है? प्रभावित है, याद रहेगा यहां तक। देख लो मैं आपको बता भी देता हूं जो कौन सा टॉपिक हमारे पास है, रहस्य लीला। रहस्य लीला बराबर यहां तक। रहस्य लीला में क्या होता है, जो हमारे पास भगवान श्री कृष्ण है उनके लीलाओं का अपन क्या कहते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे, याद रखना। इसके लिए अपन क्या कहते हैं, जब भी रहस्य लीला का आयोजन होता है गांव के खुले क्षेत्र पे होता है, जहां पे रहस्य लीला का आयोजन होता है उसको पर रहस्य बेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रहस्य बेड़ा कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और ध्यान में चूंकि यहां पे रहस्य लीला का आयोजन हो रहा है तो प्रतीक चिन्ह के रूप पे याद रखना बेटा, यहां पे अपन बहुत सारे फ्लैग लगाते हैं ना, तो जो फ्लैग लगाते हैं कि यहां पर किसी प्रकार के कुछ आयोजन हो रहा है, इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है, उस प्रतीक चिन्ह को याद रखना अपन क्या कहते हैं, थून कहते हैं। क्या कहते हैं? थून कहते हैं, बराबर यहां तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्टेज बनाते हैं, मंच बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास स्टेज, हो गया मंच, हो गया। और मंच में क्या करते हैं, ध्यान देना, मंच के बीचों बीच अपन क्या करते हैं, चूंकि ये धर्म से संबंधित है तो अपन क्या करते हैं, यहां पे वेदी स्थापित करते हैं। क्या होता है? वेदी, याद रहेगा। और वेदी में दो मूर्ति होती है, एक जो हमारे पास मूर्ति है वेदी में वो राधा जी की होती है, दूसरा किसकी होती है? कृष्ण जी की, क्योंकि ये रहस्य किससे संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है, और कृष्ण के बाल्यावस्था से, बाल लीला से संबंधित है, बराबर यहां तक। तो बेटा जो वेदी है, वेदी में राधा और कृष्ण की क्या होती है, मूर्ति स्थापित होती है, बाकी ये पूरा ऑडियंस के लिए रहता है, दर्शक दीर्घा के लिए रहता है, बराबर यहां तक। इसको ध्यान दो, अब याद रखना कलाकारों की जो मंडली होती है, जो ग्रुप होती है, मंडली के द्वारा यहां पे रहस्य का क्या होता है, प्रकार से परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, प्रदर्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, ये जो मंडली है ना, इसी मंडली के आधार पर जो रहस्य लीला है ना बेटा, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को अपन कहते हैं सवर्ण रहस्य, और दूसरा हमारे पास होता है सतनामी रहस्य। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो ध्यान में, जो सवर्ण रहस्य है याद रखना, इसमें जो मंडली का प्रमुख है याद रहेगा, वो सवर्ण जाति का व्यक्ति होता है, ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति होता है, ठीक है। लेकिन सतनामी जो रहस्य लीला है, इसमें जो मंडली का प्रमुख है वो सतनामी जाति का व्यक्ति होता है, याद रहेगा। अभी मैंने बोला कि वहां पर जो वेदी है, वेदी पर अगर राधा एवं कृष्ण की मूर्ति है तो यह सवर्ण रहस्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो सतनामी रहस्य है वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ गणेश एवं रिद्धि सिद्धि माता की भी मूर्ति स्थापित होती है। सतनामी रहस्य में राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ गणेश एवं रिद्धि सिद्धि की मूर्ति स्थापित होती है, याद रहेगा। आगे ध्यान देना, जो बेटा स्वर्ण रहस्य, इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो ध्यान में, जो स्वर्ण रहस्य है इसमें केवल और केवल भक्ति की प्रधानता होती है, यहां पे केवल धार्मिक पूजा पाठ होता है, याद रहेगा। लेकिन जो सतनामी रहस्य है वहां पर भक्ति के साथ साथ ध्यान देना मनोरंजन की भी प्रधानता होती है, मनोरंजन भी होता है, याद रहेगा। आगे ध्यान देना, जो स्वर्ण रहस्य है वो लगभग 9 दिनों तक संचालित होता है, लेकिन जो हमारे पास सतनामी रहस्य है वो 10 दिनों तक संचालित होता है, आपको याद रखना है, बराबर यहां तक। ध्यान रहे बेटा, यह है रहस्य लीला से संबंधित जानकारी, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा जो प्रश्न था, रास लीला मतलब क्या होगा छत्तीसगढ़ में, रहस्य लीला, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर रुक करते हैं। ये मैंने रहस्य लीला से संबंधित जो भी फैक्ट है वो बता दिया। अगला भी अभी बताया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? तो याद रखना बेटा, उस व्यक्ति का नाम रामचंद्र देशमुख है क्या? नहीं। महाशी चंद्राकर है क्या? नहीं। सोना बिहान, ठीक है, केदार यादव है क्या? नहीं। अगला कौन है? तो दुलार सिंह मंदराज, याद रखना। ये जो है वो राजनांदगांव के ग्राम रवेली से हैं,
और छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम से, याद रखें दाऊ दुलारसी मंदराजी। और जो दाऊ दुलारसी मंदराजी, इनको अपन क्या कहते हैं, नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं, याद रहेगा। मतलब नाचा को एक प्रकार से प्लेटफॉर्म अगर किसी व्यक्ति ने दिया है, मंच किसी व्यक्ति ने दिया है, विकसित करने का प्रयास किसी व्यक्ति ने किया है, तो यकीन मानना यही कौन है, दुलारसी मंदराजी जी है, याद रहेगा। इनको कहते हैं, कंप्लीट नाम है दाऊ दुलारसी मंदराजी, ठीक है। नाचा, नाचा क्या मैंने बताया था, नाचा में केवल मनोरंजन की प्रधानता होती है, समझ में आया बेटा। और नाचा का उद्भव छत्तीसगढ़ में कब से हुआ है, तो क्या बताओगे, मराठा शासन काल से हुआ है, ये आपको जानना है, ठीक है। अगला पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य है या नाटक है। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, याद है ना, तो ध्यान रहे बेटा, वो जो बस्तर का जो शिकार नाट्य है उसका नाम क्या बताया था मैंने, माओ पाटा। क्या बताया था, माओ पाटा, याद रहेगा। ये जो माओ पाटा है, याद रखना, छत्तीसगढ़ के मुरिया आदिवासियों में प्रचलित है। दूसरा, ये अपने आप में क्या है, शिकार नाट्य है, शिकार नाट्य। अब शिकार किसका, नाटक करते शिकार करने का, किसका, गौर पशु का, किसका, गौर पशु का, बराबर यहां तक। अब ध्यान रखना, इसमें ना एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम याद रखना बेटा, क्या होता है, कुटोड़का, कुटोड़का, डोड़का नहीं है, कुटोड़का, याद रखना। इसका प्रचलन केवल और केवल किसमें, तो क्या बताओगे बेटा, याद रखना, माओपाटा नाट्य पे। माओपाटा मुरिया आदिवासी में प्रचलित है, शिकार नाट्य है, गौर पशु के शिकार करने का नाटक प्रस्तुत करते हैं, और किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, कुटोड़का, क्लियर है यहां तक, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजातियों का एक शिकार नृत्य नाटक है, कर्मा है क्या, नहीं, हुल्की पाटा है क्या, नहीं, डंडामी डांस है क्या, नहीं, तो क्या बचा बेटा, माओ पाटा, उत्तर क्या मिलेगा, ध्यान देना, 13 का उत्तर आपको मिलेगा डी, क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 की ओर रुख करते हैं, 14 क्या, उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन यह है कि बस्तर की जनजाति में भत्रानाट प्रचलित है, बिल्कुल है, भत्रानाट भत्रा जनजाति में प्रचलित है, अभी बताया था हम लोग को। दूसरा, भत्रानाट की कथा वस्तु पौराणिक घटना, बिल्कुल घटना, पौराणिक घटना मतलब क्या, तो ध्यान रखना इसमें महाभारत की कथा है, और ध्यान रखना इसमें रामायण की भी कथा है। महाभारत में जैसे अभिमन्यु वध है, जरासंध वध है, ठीक है, द्रौपदी जी का जो चीरहरण है वो मिलेगा। रामायण में अगर देखा जाए, रावण का वध है, सीता जी का हरण है, ये सब आपको मिलेगा। आगे देखा जाए, भत्रानाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, बिल्कुल, और जो जितने भी कलाकार होते हैं ना उसको क्या कहते हैं बेटा, तो याद रखना नाटपुरहा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाटपुरहा, अभी मैंने बताया है, आया समझ में। चलो, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, कहीं भी दिख रहा है क्या, 1, 2, 3, बिल्कुल, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, ना कि ABCD, समझ में आया तक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए दिया गया, सभी ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। मैंने आपको बताया था इससे पहले भत्रानाट के बारे में, क्लियर है। और भत्रानाट का आयोजन कब होता है, तो क्या बताओगे, गर्मी के मौसम में कब होता है, और इसमें कितने कलाकार होते हैं, 20 से 40। अब चलो ठीक है भाई, देखो अच्छे से, एक प्रश्न आगे जो अभी मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ है, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलो, अभी बताया था ना मैंने, गम्मत और जो नाचा है इसका प्रारंभ किस शासन काल पे हुआ है, तो क्या बताओगे बेटा, देखो इसका शासन प्रारंभ हुआ है मराठा में, ना कि मुगल, अंग्रेज और चालुक्य में, सही बात है ना। तो ध्यान में, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, ये मैंने बता दिया बेटा ना, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य क्या बताया था, 3 बताया था, गम्मत बताया था, नाचा बताया था, रहस्यलीला, इसमें से जो भी अलग होगा वो आपका उत्तर मिलेगा। तो प्रश्न पूछा क्या है, कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है, रहस्यलीला है क्या, बिल्कुल है, नाचा है क्या, है, माओ पाटा है क्या, है, आटा पाटा है क्या, नहीं, आटा पाटा नहीं, ये कुछ नहीं है, आटा पाटा मतलब हमें कुछ नहीं आता, इसलिए उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर सी, आया समझ में, क्या मिलेगा बेटा, उत्तर नंबर सी, 16 का उत्तर क्या मिलेगा, सी, ठीक है ना। ज्यादा मेहनत करने का सकता तो नहीं है, वो तो मैंने समझा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, 16 के बाद कहां पे आते हैं, 17 पे, देखो भाई ध्यान से, मैच करना है, दो आपके पास लिस्ट है, सूची नंबर ए है और सूची नंबर बी है, ठीक है। चंदनी गोंदा, ये अपने आप में संस्था है, ठीक है, एक लोक रंगमंच है, इसकी स्थापना किसने की है वो देखते हैं।
नाचा से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व तो देखते हैं कौन है वहां पे, पंडवानी से संबंधित मेन पर्सनालिटी देखते हैं, ठीक है पंडवानी। और अगला अगर देखा जाए कौन है भरथरी, ठीक है देखो भाई शुरू करते हैं भरथरी। भरथरी के लिए क्या रहेगा, सूरज भाई खांडे, डी। डी का उत्तर एक कहीं पे है क्या, द का उत्तर कहीं पे एक है क्या, या तो ए होगा या तो क्या होगा डी, इसका मतलब बी और सी नहीं होगा, ऐसे बनाना है। एक एक ऑप्शन को देखते जाओ, पंडवानी के लिए तीजन भाई नहीं तो कौन है, झड़ोम देवांगन, मतलब सी। सी का उत्तर क्या है, चार, कहीं पे सी का उत्तर चार है क्या, है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन एकदम कंफर्म मत बोलना, अभी एक और पढ़ो, मतलब याद रखना ये ए सही होने वाला है लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोला मैंने। नाचा, नाचा का भीष्म पितामह कौन है, तो क्या बताओगे बी। बी का उत्तर क्या है, देखो बी का उत्तर तीन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, लेकिन एक और पढ़ लेना, चंदनी गोंदा के लिए कौन होगा, रामचंद्र देशमुख। तो ध्यान रहा हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है, ऐसा मैं कभी कभी बेटा एक ऑप्शन से ना ये ऐसे इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, याद रहेगा, इसलिए इस पे ना ऑप्शन से खेलना है आपको, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में। क्लियर है यहां तक, आई नो ये बन जाएगा आपसे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊं उस तरीके को जरूर फॉलो करना। एक ऑप्शन देखना कहां पे आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, पहले एलिमिनेट कर दो तो इसमें आपको ही आसानी होगी भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो मैंने बोला था जोकड़, ध्यान रहे जो हमारे पास जोकड़ है, देखो एक हमारे पास क्या है गम्मत है, एक हमारे पास क्या है नाचा है, और ऑप्शन नंबर सी में दोनों है। दोनों हमने कहां से लिया है, मराठा शासन काल से आया है। जो नाचा का उद्भव बेटा गम्मत से हुआ है, याद रखना नाचा कहां से निकला है, गम्मत से। और नाचा में मैंने बोला केवल मनोरंजन की प्रधानता होती है, लेकिन गम्मत में समाज में पॉजिटिविटी लाना, समाज सुधार करने का प्रयास करते हैं गम्मत पे, और इसकी शैली भी हंसी मजाक ही होती है। गम्मत की शैली क्या होती है, हंसी मजाक होती है, गम्मत से ही नाचा निकला है। तो ध्यान रखना इसमें जो विदूषक होता है ना दोनों में होता है, जिसको अपन जोकड़ कहते हैं, याद रहेगा। इसलिए इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा, सी मिलेगा, क्या मिलेगा सी। 18 का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, सॉरी 18 का उत्तर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ये है दोनों। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो याद रखना ये हमारे पास था आज का जो टॉपिक था, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य और छत्तीसगढ़ में जो लोक गाथा है उससे संबंधित हमने आज का किया एमसीक्यू किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या, प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक है, फिर विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।